केंद्र की सरकार को इस मामले में कल सर्वदलीय बैठक भी बुलानी पड़ी है और कल की बैठक में हमारी पार्टी का ये स्पष्ट कहना होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का पद भी लोकपाल के दायरे में अवश्य होना चाहिए। इसके साथ ही लोकपाल के दायरे में समूह ग एवं घ के कर्मचारियों को भी अर्थात सभी स्तर के केंद्रीय अधिकारियों व कर्मचारियों को भी इसके दायरे में लाया जाना चाहिए, क्योंकि निचले स्तर के भ्रष्टाचार से भी आम जनता काफ़ी ज़्यादा त्रस्त रहती है। इसी प्रकार सीबीआई के मामले में भी हमारी पार्टी का साफ तौर से ये कहना है कि इस संस्था का नियंत्रण भी लोकपाल के अधीन ही होना चाहिए, जिससे कि समय समय पर केंद्र सरकारों द्वारा किए जा रहे इस संस्था के दुरुपयोग को कुछ हद तक समाप्त किया जा सके, क्योंकि इसका हमारी पार्टी व सरकार तथा मैं खुद भी ताज प्रकरण मामले में अभी तक भी शिकार हो रही हूँ। यहाँ मेरा ये भी कहना है कि लोकपाल बिल का मसौदा आम सहमति से भारतीय संविधान के अनुरूप संघीय ढांचे का सम्मान करते हुए तैयार किया जाना चाहिए।